चार बन गया। ये हम बहुत तेजी मार रही है लोगों पे, बहुत तीखी है ऐसा लग रहा है, बहुत तीखी लग रही है। फिर तो मजा आएगा खाने में। तो ये देखो ये मैं छोटी छोटी मिर्ची है, ज्यादा मोटी नहीं है, पतली भी नहीं है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा क्या डाला, इसमें इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाला है और जितना भी इसका पानी होगा वो निकल जाएगा। फिर जब पानी पूरा निकल जाएगा उसके बाद भी मैं इसका जो प्रोसीजर है वो मैं बाद में शेयर करूंगी। और देखो दोस्तों ये बुक्स ये फैला के रखी हुई है, ये सारी बुक बुक ये सारी पाइस में भीग गई थी, ये सारी रखी है हवा के नीचे रखी है ताकि पंखे के नीचे सूख जाए। और ये बैग भी बैग सूख गया, गीला हो गया था। तो ये बैग को उसको खोलो ना अच्छी तरीके से, ये मतलब बाहर पीछे वाली साइड करो, इस साइड करो, हां ऐसे करो, हां इसी यहां भी, हां ये भी गीला हो गया था, जूते का तरीका एक और है करने का, पता क्या पेपर उसके अंदर, हाँ बाहर रखो उसके अंदर अपने आप सूख जाएंगे। कहाँ मुझे पता कहाँ, नहीं उसके अंदर वो रखो अखबार को सही जाएंगे ठीक है ना। चलो अभी बन गया, बस मैं पानी भरती अभी थोड़ा कपूर मशीन लगाती हूँ मैं ना, एक देखो मशीन का देखो कितना टाइम हो गया, 2 मिनट रह गए। तो गैस ये देखो ये है मिर्ची, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, मैं भर के नहीं बना रही, इसे छोटा छोटा काट लिया मैंने और इसमें नमक डाल के इसका पानी निकाल दिया, एक्स्ट्रा पानी जितना भी है निकल गया है। और ये मैंने सौंफ, ये जो सौंफ है मैंने इसको हल्का सा भून लिया है तवे पे, पीली सरसों इसको भी मैंने हल्का सा रोस्ट किया है, और ये इसमें है कलौंजी मेथी और जीरा इसको भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसको मिक्सी में हल्का दरदरा इसका पीस लूँगी और फिर गरम तेल करके इसमें नमक मिर्च डाल के मिला दूँ। बहुत सारे विनेगर है, अरे बड़े हैं पर थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ये ना सिर्फ थोड़ा सा चाहिए। ये मैंने मेथी सौंफ इलायची मेथी दाना और कलौंजी सॉरी इलायची जीरा इन सबको मैंने हल्का दरदरा पीस लिया है। अब आप इसे अपने टेस्ट के अनुसार नमक नमक पहले मिर्ची में भी डाल रखा है तो थोड़ा सा ध्यान से मिलाना। लाल मिर्च तीखी है मिर्ची तो इसे अब मैं कलर के लिए डाल दूँ, थोड़ी सी हल्दी चल अब मैं डाल दूँगी इसमें चम्मच फिर मिर्ची डाल दी, अरे चम्मच लगा हुआ था के दाने ज़्यादा आ जाए तो अच्छा होता है, नहीं तो मिर्च होती है कितना तीखा होता है। और ना इसकी खुशबू ना मतलब इसका तीखा जो तीखी स्मेल जो आ रही है वो बहुत तेज है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक इसके जो स्मेल है ना बहुत ज़बरदस्त आ रही है, यहाँ तक दांत पे चढ़ रही है। थोड़ी सी हल्दी और डालनी पड़ेगी और लाल मिर्च भी डालनी पड़ेगी, इसका तो पानी होता है वो फेंक देते हैं। हाँ हाँ और डालनी थोड़ी सी हल्दी लाल मिर्च सूजी में क्या डालते हैं, सूजी में सूजी में नमक डाला है, मिर्च आ रहा उसमें डालते हैं अच्छा क्या कलर आ रहा है। और मेरे पास अभी वैसे चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ये कांच के जो जार होते हैं वो अच्छे होते हैं, प्लास्टिक तो अच्छा नहीं होता, पर अभी मेरे पास कुछ नहीं है वो कांच का बर्तन था वो हमारा टूट गया है तो अभी मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ और मैं बर्तन लाऊँगी तो फिर मैं उसे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। हे गाइस फाइनली हमारी PNG की लाइन चालू हो गई, गैस की लाइन आज ये लगी गई, 6 महीने 7 महीने लगे इसे लगने में, 6 महीने तो इसकी पाइप लगे 6 महीने के बाद और 2 हफ्ते के बाद उन्होंने बोला 3 दिन में, पर 2 हफ्ते के बाद हमारी फाइनली अभी थोड़ी देर पहले ही वो उन्होंने कनेक्शन चालू कर दिया। कनेक्शन चालू होता है ना मीटर तो लग गया था और कनेक्शन चालू हो गया तो अब से खाना बनेगा हमारा PNG में और स्वादिष्ट बनेगा। इसका स्वादिष्ट से कोई मतलब नहीं है पर PNG बनेगा तो एक टेंशन ख़त्म हो गई है कि हमें फ़ोन करना है सिलेंडर आएगा, कई बार उसमें लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है या वेट कम होता है उसका, तो इससे हमें फ़िलहाल निजात मिल रही है। और अभी बनाएंगे हम कच्चे केले के कोफ्ते, मैं नहीं खाऊं
तो यहाँ पर हो रही है शाम के खाने की तैयारी। कच्चे केले के कोफ्ते बनेंगे जो एक बच्चा नहीं खाएगा, है ना? तुम नहीं खाओगे ना? पर तुम्हें कैसे पता कि उसका टेस्ट कैसा है? पता है तुम्हें? अरे वो लौकी के थे, ये केले के हैं। ठीक है, चुप बोलो, देखो। चल ठीक है, वो ब्राह्मण चॉकलेट खा रही है, चॉकलेट खा रही है। देखो, पर एक चीज खानी जरूरी है, वो है चॉकलेट आइसक्रीम। 2 महीने बाद खा रही चॉकलेट। 2 महीने बाद? झूठी बच्ची। पर 2 महीने तो नहीं हुए ना। अच्छा, ये कच्चे केले के कोफ्ते बना रहे हैं हम, और ये मैंने केले को कच्चे केले छोटे छोटे ही होते हैं साइज में, उनको बीच में से एक उसका चाकू से काट दो और उसे पानी में एक सीटी लगाने तक उबाल लो। उसे एक सीटी लगाओ बस। और जनरली अगर आप उबालते नहीं हो तो आप कच्चे केले को कद्दूकस भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पर एक सीटी लगाई है और उबाल के उसे मैश कर लिया है। फिर उसमें थोड़ा सा बेसन, नमक, मिर्च, कसूरी मेथी, धनिया जो भी अपने हिसाब से डाल के उसके ऐसे से गोल बना लिए और अभी से हम फ्राई कर देंगे। मीडियम आंच पे आप इसको फ्राई कीजिए और जब ये अच्छे ब्राउन कोफ्ते के कलर जैसे होते हो जाएंगे तो उसे निकाल लेंगे। हमने जिमीकंद के कोफ्ते तो बनाए हैं हमने, और कैबेज के भी बनाए हमने कोफ्ते, और उसके भी बनाए हैं, कॉलीफ्लावर के भी बनाए ना हमने। पर ये फर्स्ट टाइम कच्चे केले की सब्जी तो बनाई है, पर ये कोफ्ते हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट है, उसे मिक्सी में पेस्ट बना के उसको फ्राई कर देंगे। और इसमें है टमाटर, टमाटर भी और डाल रहे हैं। टमाटर है, मखाने है, मखाने से ग्रेवी ठीक बनती है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। इसमें मूंगफली डाल रही है, और इसमें अगर आपके पास मूंगफली है तो मूंगफली भी डाल सकते हैं, चाहे तो 1-2 चम्मच बेसन डाल सकते हैं भून के, अगर जो भी है ऑप्शन है आपके पास, काजू है तो काजू भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मूंगफली, 1-2 चम्मच मूंगफली डाल दो, ये हमारे पास भुनी हुई है। हाँ, अगर कच्ची है तो आप उसको थोड़ा रोस्ट कर लो, थोड़ी सी और डाल, बस थोड़ा सा डालूंगी कोकोनट, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हाँ, कोकोनट जो ये कोकोनट का जो पाउडर है ना चूड़ा, इसे भी डालो, इसका हाई से टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये नारियल का बूरा है और इसे भी डाल के इसका एक बारीक पेस्ट बना लूंगी। यहाँ पर मसाला पक रहा है, जब इसका तेल अलग हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे अपने हिसाब से। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा रात का खाना तैयार। ये रही कच्चे केले के कोफ्ते और चावल और चपाती। तो मैं मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, खाना हमारा हो गया रात का, और अभी हम काम वाम सारे ख़त्म करके अभी यहाँ बैठे हुए हैं अपने कमरे में। अभी हाल ही में दोस्तों भूपेंद्र जी, जो एक बहुत अच्छे सिंगर थे, उनका निधन हुआ है, और उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं जो हम लोग गुनगुनाते हैं और जो बिल्कुल ज़िंदगी के बहुत करीब हैं। उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि उनके हर गाने बहुत ही अच्छे लगते थे। जैसे करोगे याद तो ये हर बात याद आएगी, जिंदगी मेरे घर आना, और दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, और नाम घूम जाएगा, कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग उन्होंने गाए हैं। हाँ, एक फेवरेट सॉन्ग इसका दर बिना इतरा के चलिए, तो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग उन्होंने गाए हैं। चार लाइनें मैं आपके सामने गुनगुनाऊंगी, उनको डेडिकेट करेंगे। कौन सा ये? करोगे याद। तो इस गाने को जब मैं गुनगुना रही थी अभी 2 दिन पहले, तो सडनली मुझे अपने पापा भी याद आ गए कि लाइन ही कुछ ऐसी है, तो हर किसी का जो प्रियजन उससे खोया है तो उसे
अपने आप में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपकी कनेक्टिविटी बनती है और आपको अपने वो अपने जो आपसे जिनमें आप बहुत प्यार करते थे वो याद आ जाते हैं। तो इस गाने को सुन के मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है मतलब। तो आप ये गाना सुनिए करोगी याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गली वाला तुमने लाइन कौन सी है? गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट जाएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। एक गाना उनका और जो कि बहुत फेमस था हुजूर इस कदर, दो आवाजें ना इसमें, दो आवाजें हैं हाँ, इसमें एक आवाज़ भूपेंद्र जी की है, दूसरी आवाज़ सुरेश वाडेकर, सुरेश वाडेकर की। इनकी आवाज़ भी मुझे बहुत मिलती जुलती लगती है, बहुत अच्छी आवाज़ है। तो सुनिए आप इस खूबसूरत गाने को। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चली, खुले आम आचल न लहरा के चली, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चली, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दी अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दी अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फे झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चली, खुले आम आंचल न लहरा के चली, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चली। तो दोस्तों इस खूबसूरत गाने के साथ ही मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए। इस गज़ल के साथ एक खास बात ये थी कि ये गज़ल भूपेंद्र